हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज यूनिट 8 रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। इस यूनिट की मैं आपको 2 वीडियोस और सेंड कर चुका हूँ। दिस इज योर थर्ड वीडियो। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन, 4 नंबर्स ए बी सी डी आर सेट टू बी प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, देन वी राइट ए इज टू बी as C is to D. That is means when we compare two ratios, जब two ratios हमारे equal होते हैं उन्हें हम proportions के name से indicate कर सकते हैं। Okay? This symbol we called as, and this is the real ratio. This is called is to. Okay? Now, if A is to B as C is to D, then अगर आपके 4 numbers proportion में हैं तब जो आपका first है A, B, C, D are respectively known as first, second, third and fourth term. Means A is your first term, B is your third, second term, C is your third term and D is your fourth term. A and B are called extreme while B and C are called means. Means A and D means जो भी बाहर की digits हैं दोनों, ये इन्हें हम बोलते हैं extremes और means. B and C are called means. Okay? Now next is this. A is to B means एक इसमें property होती है, product of extreme is equals to product of means. So we write as A into D means extremes की multiply is equals to means की multiply, that is B into C. ये ध्यान रखिएगा, ये last वाली property सबसे ज़्यादा important है, सभी questions में हम यही property apply करते हैं. Next, D is called the fourth proportion A, B and C. Means आपके 3 ratio आपको दे रखे हैं, 3 नंबर्स, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आप अपने आप उसे डी ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस, ए बी सी आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर ए इज टू बी एज बी इज टू सी, मीन्स यहाँ दोन जो आपके मीन्स हैं दोनों सेम हैं, मीन्स सेम है, तो हम ये कहेंगे ए बी सी किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। दैट इज मीन ए इज टू बी एस सी इज टू डी बी इज टू सी, मीन्स जो मीन्स हैं वो दोनों में इक्वल होंगे। तो क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन टू ए बी। अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, तो हम सी क्या लेंगे फिर, थर्ड प्रोपोर्शन। आपको सिर्फ ए और बी दे दिया और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन अपने आप सी एज्यूम करेंगे। अब आपसे मीन प्रोपोर्शन में ही ये होता है कि आपने यहाँ देखा ए इज टू बी, वी राइट एज ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, आप इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वस टू ए सी, बी इज इक्वस टू रूट ए सी। यानी कि अगर आपको ए और सी दोनों की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, बी इज इक्वस टू रूट ए सी। बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड सी। अब हम इन एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, शो डैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। क्या कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं, ये शो करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम 30 एंड 60, 30 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 40 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 1800।
आगे आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों के देखिए प्रोडक्ट इक्वल हैं तो लिख देंगे नीचे, हैंस 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। अगर आपके एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल हैं तो नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 इज टू एक्स एज 16 इज टू 35। अब आप यहाँ देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पहले ये देखिए x कहाँ पर है, एक्सट्रीम्स और मीन्स, यस सोचिए और बताइए x एक्सट्रीम्स वैल्यू है या मीन्स वैल्यू है। दिस इज योर मीन्स वैल्यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज प्रोडक्ट ऑफ x मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स। हम क्या करेंगे, जिसमें भी आपको पहले फॉर्मूला बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमने यही लिखा, बस इतना कर दिया मैंने, यहाँ पर जो x था पहले उसे लिख दिया, x मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 8। सॉल्व करा, 16x इज इक्वल टू 218, साइड चेंज करेंगे 16 का, डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 17.5। 16 का डिवाइड करेंगे मीन्स 218 अपॉन 16, 16 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 17.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए आपको यहाँ 3 डिजिट्स दे रखे हैं और पूछा है आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट x, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। आगे क्या करेंगे आप, इन्हें रेशियो में लिखेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो फोर्थ प्लेस पर x आपने पुट अप कर दिया। अब यहाँ से सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम पैटर्न से आप नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, x एंड 8, तो v राइट एज 8 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8। कट हो देंगे, कट कर देंगे और सॉल्व करके क्या आएगा आपका 27। अब देखिए कट, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36 और 2 से 2 3 जा 6, 27। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 27। नेक्स्ट, इफ 27 36 एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कि आपके ये किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको अभी प्रॉपर्टीज बताई भी थी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्या कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो जो सेकंड डिजिट्स है, ये जो सेकंड डिजिट्स हैं इसे हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो देखिए जो सेकेंड डिजिट्स है वही आपकी 2 टाइम्स हो गई। अब सेम पैटर्न फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो वी राइट एज 27 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 36, एक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 27। सॉल्व कर देंगे यहाँ से आप, तो देखिए 48 आया। अब सॉल्व कैसे करा आपने, 3 9 जा 27 और 12 और 9 4 जा 36, तो 12 4 जा 48। तो हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 48। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 8 एंड 12 आपको गिवन है तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करेंगे हम, लेट x द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या सपोज करा, x, तो थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो देखिए फिर से जो आपका सेकेंड डिजिट है उसे ही 2 टाइम्स लिखेंगे और लास्ट में हम मानेंगे फिर x। फिर वही पैटर्न, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वैल्यू सॉल्व करेंगे, पुट अप करिए आपने 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स
equals to 12 multiplied 12, x is equals to 12. अब देखो यहाँ 12 जो 144 में साइड चेंज करा 8 से डिवाइड कर दिया आपने, आउटकम से 18. सो x इज वैल्यू इज 18. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है फिर से 6 and 24. मीन में आपको बताया था कि x एंड x, तो मीन प्रोपोर्शनल आपका यही रहेंगे. तो लिखेंगे आप x, लेट x इज द मीन प्रोपोर्शनल, देन वी राइट एज 6:x एज x:24. आप सॉल्व करेंगे या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x मल्टीप्लाई x 6:24. x मल्टीप्लाई x मीन्स x स्क्वायर, आपने यह सॉल्व करेंगे 144. आगे आप क्या होता है जब स्क्वायर है साइड चेंज करेंगे स्क्वायर का तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12. तो वी राइट एज दिस x is वैल्यू इज 12. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द नंबर 5, 9, 7, 12 टू गेट दिस. मीन्स जो आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं इनमें क्या नंबर ऐड करें कि ये सभी नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाएं. तो हम क्या कहेंगे, वी एड x, द नंबर इज x, तो सब में x x ऐड कर देंगे. तो देखिए क्या हो गया, 5+x, 9+x, 7+x, 12+x आपके ये रेशियो में. तो हम बोलेंगे 5+x इज टू 9+x एज 7+x इज टू 12+x. आगे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एक्सट्रीम्स दिस, यहाँ पर मैंने ये टू लाइंस में लिख दिया है बाई चांस, एक ही लाइन है ये पूरी, 5+x 12+x एंड 9+x 7+x. अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा दिस. देखिए 12 5 16, 5x 5x, अब नाउ x एक्स 12x एंड x स्क्वायर, सेम प्रोसीजर आपने यहाँ फॉलो करा, दिस इज योर x स्क्वायर. यहाँ पर एक स्टेप्स डिजिट्स मिस हो गई है, दिस इज योर x स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर से x स्क्वायर क्लॉप्स, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्लॉप्स, रिमेनिंग इज 60. 5x plus 12x is 17x is equals to 63 plus 9 7 16x. आगे सॉल्व करेंगे तो वी राइट एज 17x minus 16x is equals to 63 minus 16. Subtract them, x is equals to 3. ओके अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.